तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वोटर आई कार्ड को कैसे कार्ड में मंगाएं। अगर आप वोटर आईडी को कार्ड में अगर मंगाना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वोटर आईडी कार्ड को कार्ड में ऑर्डर कैसे करें। पीबीएससी कार्ड अगर आप भी मंगाना चाहते हैं तो आप इजीली मंगा सकते हैं। आज इस वीडियो में बताएंगे क्या होता था कि पहले हमें वोटर आई कार्ड जो कि कार्ड में नहीं प्रोवाइड करता था, कार्ड में हमें नहीं देता था, बट अब ये क्या हो गया है कि पीबीएससी कार्ड में अब आपको जो कि ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं देना है। जैसा एटीएम कार्ड होता है, अगर आप उस तरह से अपना वोटर आई कार्ड को बनाना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं और उसे आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। वोटर आई कार्ड जो कि वोटर आई डी कार्ड आप जो कि कार्ड में ऑर्डर कर सकते हैं, उसे पीबीएससी कार्ड बोला जाता है। तो आज उसी को ऑर्डर करके बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। तो आपको कोई ब्राउजर खोल लेना है और आपको यहाँ लिखना होगा वोटर आई कार्ड। केवल आप वोटर आई कार्ड लेकर आपको सर्च कर देना होगा। अब जैसे ही सर्च करते हैं तो नेक्स्ट पेज खुल जाती है। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ आपको बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट मिल जाएंगे, बट इन वेबसाइटों पर क्लिक नहीं करना होगा। आपको ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखना होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जो हमारे पास जो हमें दिख रहा है अभी शो कर रहा है, वो उनमें नहीं शो करता है। तो आपको ध्यानपूर्वक से देखना होगा। देख सकते हैं ये लिख रहा है होम वोटर पोर्टल इलेक्शन कमीशन इंडिया, ठीक है। इस पर आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज मिल जाती है। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, पहले नंबर अब आपको यहाँ साइनिंग करना होगा। साइनिंग यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप अपने वोटर आई कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करना बहुत ईजी है, आपको कोई इसमें रजिस्ट्रेशन करना बड़ा बात नहीं है, बस ईजी है। चलिए हम बताएंगे स्टेप बाई स्टेप ताकि आप कैसे अपना वोटर आई कार्ड ऑर्डर करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब यहाँ क्या करना होगा, यहाँ देख सकते हैं साइनिंग का एक ऑप्शन मिलती है। साइनिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, देखिए साइनिंग आपको साइनिंग मिल जाती है। उसके बाद देखिए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास अकाउंट होगा तो आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसके लिए आपको पहले नंबर मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ ईमेल आईडी डालना होगा आपको। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको ये कैप्चर फिल करना होगा। ये कैप्चर मिल जाती है, इस बॉक्स में फिल करना होगा। अगर आपको ये कैप्चर समझ में नहीं आती है तो उसके लिए आपको यहाँ स्पीकर दिया होगा, इस पर क्लिक करके आप इस कैप्चर को सुन भी सकते हैं, ठीक है। सारे इस बॉक्स को आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। जैसे मैं, चलिए हम यहाँ से सारे चीज़ फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। तो हमने यहाँ कैप्चर और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सारा फिल कर दिया। फिल करने के बाद हम यहाँ अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से फिर आप आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद अब आपका फर्स्ट नेम डालना होगा, उसके बाद लास्ट नेम। यहाँ कैसे करना होगा, जैसे मैं आपका नाम है कुंदन, जैसे KUNDAN कुंदन, उसके बाद जो कुमार हो गया KUMAR कुमार, ठीक है। तो आपका जो कि नाम है तो फर्स्ट में अपना ये नाम डालना होगा, इतना कुंदन फर्स्ट में, और आपको सेकंड यानी लास्ट नेम में कुमार डाल देना होगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ आपको फर्स्ट नेम डाल देना होगा, उसके बाद आपको यहाँ लास्ट नेम डाल देना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास लास्ट नेम नहीं होगा तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अपना फर्स्ट नेम डालकर उसके बाद लास्ट नेम नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड एक डालना होगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालने के बाद यहाँ आपको कन्फर्म पासवर्ड डालना पड़ेगा, वही वाला पासवर्ड। उसका री रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए, हमने सारा चीज़ डालने के बाद हमने यहाँ कन्फर्म पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद हम रिक्वेस्ट पर क्लिक, OTP पर क्लिक करते ही हमारा OTP आ जाएगा। तो चलिए हम सारा चीज़ फिल कर लेते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको अपना डिटेल फिल करना होगा। जैसे आप बता रहे हैं, आपको अपना स्टेट चूज कर लेना होगा, भाषा चूज करना होगा। उसके बाद देखिए प्रथम नाम, मध्य नाम आदि, यदि कोई आपका जो भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपको देना होगा, वही वाला जो दिए हैं। उसके बाद देने के बाद आपको को क्या करना होगा, इस दर का प्रथम नाम दे सकते हैं, यानी फादर का नेम अपना दे सकते हैं, फादर या हस्बैंड। उसके बाद यहाँ आपको फादर या हस्बैंड को आपको भी दे सकते हैं।
हिंदी में देना चाहते हैं दे सकते हैं, तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा, डालते ही आपका यहाँ एज आ जाएगा ऑटोमेटिक, या तो आप इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, अब जैसे मैं सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ ऑटोमेटिक आ चुका आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर इस पर टिक लगा दीजिएगा, ये बंद हो जाएगा और यहाँ जो कि ले लेगा, ठीक है। चलिए होने के बाद अब यहाँ से कोई चीज़ हमने कर दिया, उसके बाद यहाँ आपको देखिए मेल फीमेल या अदर जो भी है सबको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको जिला विधानसभा निर्वाचक उसका कैप्चर को फिल करके सर्च पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका ऑर्डर का सिलेक्शन आ जाएगा और वहाँ से ऑर्डर पर क्लिक करके और आपको ऑर्डर पर जैसे ही करिएगा उसके बाद सक्सेसफुल लिख जाएगा आपका 10 से 12 दिन में आपका बाई पोस्ट जो कि भेज दिया जाएगा और आपका बाई पोस्ट वहाँ से पोस्ट ऑफिस द्वारा मिल जाएगा, वहाँ से आपको कॉल किया जाएगा। इसमें कोई आपको पैसा चार्ज नहीं देना है। तो इस तरह से आप एक वोटर आईडी कार्ड को PBSC में मंगा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।